नमस्कार दोस्तों, ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आज क्रॉसओवर मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच काफी रोमांचक रहा। आखिरी मिनटों में हुआ इस मुकाबले का फैसला, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को हरा दिया। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी और क्या रहा इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच क्रॉसओवर मुकाबला खेला गया और दोनों ही टीमों में से जो भी टीम यह मुकाबला जीतती वह टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती। और भारत का अभी तक इस हॉकी वर्ल्ड कप में प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा था, क्योंकि भारत अपने पिछले तीन मुकाबलों में से एक भी मुकाबला नहीं हारा था। और ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ सभी को उम्मीद थी कि भारत आज क्रॉसओवर मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच यह मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, शुरुआती कुछ मिनटों में तो भारत काफी अच्छा खेल रही थी और भारत ने कुछ मिनटों में ही अपनी बढ़त बना ली थी। लेकिन आखिरी दो हाफ में न्यूजीलैंड की टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए और भारत की बढ़त को खत्म करके न्यूजीलैंड की टीम ने 3-3 पर इस मुकाबले को ड्रॉ करवा दिया। और फिर उसके बाद पेनल्टी शूट आउट के थ्रू इस मुकाबले का रिजल्ट होना था, लेकिन भारत ने वहां भी अपना खराब प्रदर्शन दिखाया, जिस वजह से भारत को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पहले तो दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट आउट मिले, जहां पर दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट आउट मिले, जहां दोनों टीमों ने 3-3 की बराबरी की, जिस वजह से फिर से इन दोनों टीमों को 5-5 शूट आउट और मिले। लेकिन वहां भारत फिर से पिछड़ गया और न्यूजीलैंड की टीम ने पेनल्टी शूट आउट में 5-4 के स्कोर से इस मुकाबले को जीत लिया। और अब भारत हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले ही बाहर हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी ही हॉकी और क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।